हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे SST में सिक्स चैप्टर द लैंड ऑफ सैंड, सऊदी अरेबिया। अ डेजर्ट इज अ प्लेस दैट रिसीव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल फॉर ईयर्स। डेजर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कि या तो कोई बारिश नहीं होती है बहुत सालों से, या फिर यदि होती है तो बहुत कम होती है। डू यू नो डेजर्ट इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट डिफर्ड ग्रेटली इन अपियरेंस एंड द काइंड ऑफ लैंड फॉर्म दे कवर। क्या आप जानते हो कि डेजर्ट एक ऐसी जगह होती है जो कि देखने में भी और वहाँ पर जो लैंड फॉर्म है, भूमि की बनावट है और जो होती है उसमें सब जितने भी डेजर्ट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सम डेजर्ट हैव माउंटेन्स, कुछ डेजर्ट होते हैं वहाँ पर माउंटेन्स होते हैं, कुछ होते हैं कुछ में प्लेन्स होते हैं, और जबकि कुछ होते हैं उनमें केवल ह्यूज सैंड ड्यून्स यानी कि रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं। अदर डेजर्ट कंसिस्ट ऑफ रॉकी प्लेट्यू, और कुछ डेजर्ट होते हैं उनमें रॉकी प्लेट्यू यानी कि चट्टानी प्लेट्यू पठार होते हैं। दे आर ऑलमोस्ट नो रिवर, वहाँ पर कोई भी रिवर नहीं होती है अधिकतर, और अदर परमानेंट वाटर बॉडीज, और कोई भी पानी की परमानेंट जगह नहीं होती है। इन सम प्लेस एन अंडरग्राउंड स्प्रिंग ऑफ वाटर क्रिएट अ पूल, कुछ कुछ जगह पर अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड पानी जो है वो बाहर निकल के आ जाता है और एक पूल जैसी रचना बना लेता है। पूल से मतलब है जैसे कोई गड्ढा हो उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ हो वो बना लेता है। इन डेजर्ट एंड ओसिस इज ओनली ग्रीन पैच, पूरे रेगिस्तान में केवल ओसिस ही ऐसी जगह होती है जहाँ पर कि कुछ थोड़ी बहुत ग्रीनरी मिलती है, क्योंकि जो पानी होता है पानी की हेल्प से वहाँ पर थोड़े बहुत पेड़ पौधे। लोकेशन, यहाँ की लोकेशन सऊदी अरेबिया के ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला का अधिकतर भाग सऊदी अरेबिया ने ऑक्यूपाई कर रखा है। इट इज़ सराउंडेड बाय रेड सी इन द वेस्ट, वेस्टर्न साइड में रेड सी है एंड अरेबियन सी इन द साउथ एंड और साउथ में अरेबियन सी है एंड पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान टूवर्ड द ईस्ट, और जो पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान है वह ईस्ट की साइड में है। इन द नॉर्थ, नॉर्थ की साइड में जॉर्डन इजराइल एंड इराक कुवैत हैं और यामेन, ओमान एंड यूएई, ये सारे साउथ की साइड हैं इसके। इस तरह से इन सब के बीच में सऊदी अरेबिया घिरा हुआ है। रियाद, रियाद यहाँ की कैपिटल है, सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है। टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल पार्ट ऑफ द सऊदी अरेबिया एंड अरेबियन पेनिनसुला, टॉपिक ऑफ कैंसर होती है वह सऊदी अरेबिया के मिडिल पार्ट से निकलती है, सऊदी अरेबिया और अरेबियन पेनिनसुला के मिडिल पार्ट से टॉपिक ऑफ कैंसर निकल इज रॉकी प्लेट्यू। सऊदी अरेबिया का अधिकतर पार्ट रॉकी प्लेट्यू के रूप में है और जो कि केवल रेत से ढका हुआ है, चट्टानी जगह है पूरी की पूरी और रेत से ही ढकी रहती हैं। दीज वास्ट ड्राई सैंड बाय द डेजर्ट इज कॉल्ड रफ अलखली, इनको जो कि खाली खाली एरिया हैं, सैंड से ढके हुए हैं, वहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई रहता नहीं है, इस जगह को रफ अलखली कहते हैं। द माउंटेन एरिया इज अलोंग द वेस्टर्न साइड, जो माउंटेन एरिया है वेस्टर्न साइड का ये ही है रबल खली। द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट है प्लेट्यू एंड सैंडी डेजर्ट, सेंट्रल पार्ट में, सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट जो है इसका, जो बीच का भाग है जो इसका और पूर्वी भाग है यह सैंडी डेजर्ट है। सैंडी डेजर्ट से मतलब है कि केवल वहाँ पर रेतीला रेगिस्तान है। दिस रीजन इज डॉटेड विद हिल्स ऑफ सैंड, यहाँ पर जो सैंड ड्यून्स होती हैं, सैंड ड्यून से मतलब है कि रेत के टीले जगह जगह रहते हैं यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग विंड शिफ्ट द सैंड ड्यून्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बहुत तेज़ यहाँ पूरे टाइम पर हवा चलती रहती है क्योंकि यहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं होती है, ऐसा भी नहीं है कि कोई बिल्डिंग है जिसकी वजह से जो हवा चल रही है तेज वो रुक सके। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हवा चलती है वह बहुत बड़े रेत के टीलों को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर डाल देती है। अब जो ट्रेवलर्स जाते हैं रेगिस्तान से, जो रुक जाते हैं ऊँट के, ऊँट को साथ में लेके जाते हैं, बड़े बड़े काफिले जाते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपना डायरेक्शन भूल जाते हैं क्योंकि रेत
जो रेत के टीले हैं एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, तो जो जाने वाले ट्रेवलर्स होते हैं उन्हें लगता है कि अरे हम तो यहीं पर थे रेत के टीले के पास से, अब ये रेत का टीला यहाँ पर आ गया, तो वो यही भूल जाते हैं कि हम ईस्ट में थे कि वेस्ट में थे। तो इस तरह से जब उन्हें ये अपना पता करना होता है डायरेक्शन, तो वो अपने साथ में कंपास रखते हैं और कंपास की हेल्प से वो ये डायरेक्शन पता कर लेते हैं, क्योंकि कंपास ऑलवेज नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में उसकी निडिल रुकती है। दिस रीजन इज डॉटेड विद द हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स। स्ट्रॉन्ग विंड शिफ्ट द सैंड ड्यून्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देयर आर नो लेक ऑफ परमानेंट रिवर इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में कोई भी परमानेंट रिवर नहीं है, कोई भी लेक नहीं है, इसलिए यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। यहाँ का क्लाइमेट, क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरेबिया इज एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही गर्म है और सूखा रहता है ऑलवेज। जो ड्राई टेम्परेचर होता है वह बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है कि रेत ऐसी हो जाती है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कोयले जलाकर रखती हूँ। डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन। और पूरे दिन रात रेतीले तूफान चलते हैं, रातें बहुत ठंडी होती हैं। समर सीजन होते हैं वह मई से सितंबर तक चलता है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन जो कि अक्टूबर से अप्रैल तक होता है, डेज आर वार्म। उन दिनों में दिन तो गर्म तो हमेशा ही रहते हैं और उसके अलावा रातें एकदम बर्फी चिल्ड होती हैं, जैसे कि ऐसा लगता है जैसे कोई हिल स्टेशन हो और टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। देर इज़ ए ग्रेट डिफरेंस इन टेम्परेचर। दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, लगभग लगभग पूरे साल में 25 सेंटीमीटर तक ही होती है कभी कभी तो। वैन इट्स रेन, जब भी बारिश होती है तो ट्रेन लगातार होती रहती है यदि काफ़ी घंटे तक, तो वहाँ पर कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे उग आते हैं और फिर वो कुछ दिन तक खिले हुए रहते हैं। यहाँ की वेजिटेशन में अधिकतर हार्डी ग्रास, थोर्नी बशेज होती हैं जिसमें कि बबूल है, कीकर है, कैक्टस है, ये सारे पेड़ पौधे छोटे छोटे उगते हैं, लेकिन ये सारे कांटेदार होते हैं। दीज प्लांट्स हैव गुड, इनकी जो प्लांट्स की रूट होती है बहुत डीप जाती है। जो वहाँ की रेत होती है, रेत में तो पानी रुकेगा नहीं, वो इतनी अंडरग्राउंड इतनी डीप चली जाती है पानी की खोज में कि वो जब नीचे गहराई में जाकर उसे पानी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो आप कैक्टस देख रहे हैं, कैक्टस होती है यह, इसका जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है यह इसकी लीफ नहीं है, यह इसका स्टेम है। ये वाला पार्ट ये स्टेम है और इस पर ये आपको शार्प शार्प स्पाइन से दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी लीफ है। इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांसपिरेशन के द्वारा पानी का बहुत ज़्यादा लॉस पौधों में हो जाता है। पौधे एवोपरेशन और ट्रांसपिरेशन से पानी को बाहर निकालते रहते हैं। यदि लीफ का स्पेस ज़्यादा होगा, लीफ की जो सतह है ज़्यादा बड़ी होगी, तो उस कंडीशन में लीफ में से ज़्यादा पानी एवोपरेट होके जाएगा, तो लीफ इसलिए कांटे जैसे स्ट्रक्चर में बदल जाती है जिससे कि पानी का एवोपरेशन बहुत कम होता है सनलाइट में, और जो स्टेम होता है वह लीफ की शेप में आ जाता है जिसकी वजह से वो उस पर एक वैक्सी लेयर होती है, यानी मोम की एक परत सी बनी हुई होती है। इसकी वजह से पानी है वह बहुत ज़्यादा एवोपरेशन के थ्रू ऊपर नहीं, पौधों में पानी की कमी नहीं हो पाती है। द वेजिटेशन मेनली कंसिस्ट ऑफ कैक्टस, हार्डी ग्रास, थॉर्नी बशेज दैट प्लेट टू हैव लॉन्ग दैट प्लेन प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट विच ग्रो डीप इन टू द ग्राउंड टू ड्रॉप वाटर। एट सम प्लेसेज ग्राउंड वाटर कम अप टू द सर्फेस फॉर्मिंग अ पूल ऑफ वाटर कॉल्ड ओसिस। दीज एरियाज आर ओनली प्लेस विच आर समवेयर समवॉट फर्टाइल। डेट पाम ग्रो ही है। यहाँ पर जो आपको बताया था ग्रीन पैचेस होते हैं जिन्हें ओसिस कहते हैं, वहाँ पर डेट पाम यानी खजूर है उगाया जाता है। अब कैमल के बारे में पढ़ेंगे। कैमल है एक यूजफुल एनिमल है, इसको शिप ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं। रीज़न ये है कि जिस तरह से हम गाड़ियों से या अपने व्हीकल से हम कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन डेजर्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहाँ यदि किसी को ट्रैवलिंग करनी है, जाना आना है, तो वहाँ को ऊँटों के थ्रू यानी कैमल के थ्रू जाना पड़ता है। अब कैमल में ऐसा क्या खास होता है जो कि हम डेजर्ट में ले जा सकते हैं उसे? उसमें बहुत सारी खासियत होती है, जैसे कि कैमल की सबसे बड़ी है कि इसके जो फीट होते हैं, कैमल के फीट होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, जिसकी वजह से यह सैंड जो गर्म हो जाती है तो उसकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है। इसके जो ये फीट हैं इनमें काफ़ी डिस्टेंस होता है इसकी बॉडी को, बॉडी से और अर्थ तक में, जिसकी वजह से ये यदि सैंड गर्म भी है तो इसकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है। उसके अलावा इसके पैर होते हैं, इनमें पैडेड होते हैं, इन नीचे ये पैड से लगे होते हैं, जिसकी वजह से यह आराम से गद्देदार होते हैं, जिससे कि कितनी भी गर्म सैंड हो उस पर आराम से भाग सकता है, और लंबे लंबे पैरों की वजह से बहुत बड़ी बड़ी दूरी को आराम से तय कर लेता है, स्पीड से भाग सकता है।
उसके अलावा इसके जो पीछे होता है इधर, यहाँ पर एक पूवर टाइप्स होता है, हम्प होता है यहाँ पर। इसमें ये बहुत सारे दिनों के लिए वाटर स्टोर करके रख लेता है, इसे बार बार पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा इसकी जो आईज होती हैं, आईज के ऊपर एक शीट आई लीड लगी होती हैं, आई लीड होती हैं जिसकी वजह से, और छोटे छोटे रोएदार वो भी होते हैं, पलकें होती हैं, जिसकी वजह से जो जब हवा चलती है, तेज हवा चलती है, तब तूफान चलते हैं उसके रेत के भरे हुए, तो उसकी आंखों में नहीं जाते हैं और ये अपनी आंखों को सेफ रखता है। और इसके अलावा इसमें ये जो खाना होता है फैट के रूप में स्टोर रखता है, जो इसके हम्प में स्टोर रहता है। अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। यहाँ का बहुत कम पार्ट क्रॉप के लिए सूटेबल होता है, क्योंकि अधिकतर पार्ट सैंडी डेजर्ट के रूप में है। टू डील विद द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन सऊदी अरेबिया, एफर्ट आर मेड टू रिमूव द सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। यहाँ पर सी वाटर से सॉल्ट निकाला जाता है। हम जानते हैं कि नमक जो है समुद्र के पानी से निकलता है, अब उसका डिसैलिनेशन होता है, उसका प्योरिफिकेशन होता है, जो कि यहाँ पर बहुत मात्रा में होता है। और बार्ली एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ग्रोन नियर टू ओसिस, क्योंकि जो जितना भी डेजर्ट होता है पानी की कमी रहती है, लेकिन जहाँ पर ओसिस होती है, ओसिस की जगह पर ग्रीनरी होती है, वहाँ पर बार्ले और भी वेजिटेबल होती हैं, वो उगा ली जाती हैं। एट मोस्ट ऑफ द लैंड सऊदी अरेबिया इज इनफर्टाइल, लेकिन अधिकतर जो सऊदी अरेबिया की जगह है वह अधिकतर बंजर है। एग्रीकल्चर इज नॉट ऑक्यूपेशन इन द कंट्री। हमने अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े उसमें सुना कि वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन जो है वह एग्रीकल्चर होता है। जैसे हमारे इंडिया है, मेन एग्रीकल्चर यहाँ पर मेनली एग्रीकल्चर है। अधिकतर जो हमारी इनकम होती है या जो फूड मिलता है, फूड क्रॉप है, जो भी कैश क्रॉप है, वह हमारी एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है। तो अधिकतर हमारे इंडिया में कृषि इसका मुख्य भाग है, लेकिन सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर केवल जितना खाया जा सकता है उतना ही क्रॉप वहाँ पर उगाई जा सकती है। देर आर मैनी ऑयल रिफाइनरीज, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज हैं सऊदी अरेबिया में। वहाँ पर क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल निकाला जाता है, उससे पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन और बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स जैसे वैक्स यानी मोम, ये निकाला जाता है। उसके अलावा सीएनजी, जो कंप्रेस नेचुरल गैस है, नेचुरल होती है, वो गैस भी यहाँ से ही प्रोड्यूस होती है। और वहाँ से ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर पानी रहता है, वहाँ पर इस तरह से क्रूड ऑयल रहता है। और जिस तरह से हमारे यहाँ पर ऑयल की कमी रहती है, पेट्रोल पैसों में मिलता है, इस तरह से वहाँ पानी की कमी रहती है। देयर आर मैन इस मोस्ट ऑफ दीज प्रोड्यूस आर एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्री। मैनी फैक्ट्रीज हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, और मोस्ट मैनी फैक्ट्रीज में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि अधिकतर यूज़ में आती हैं। लाइफ ऑफ द पीपल, मनी अर्न फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करके पैसा कमाया जाता है, एंड इस यूज़ किया जाता है डेवलपमेंट में, सऊदी अरेबिया के डेवलपमेंट में उस पैसे का अच्छे से यूज़ किया जाता है। ना मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन सिटीज, अब आज के समय में तो बहुत सारे लोग सिटीज़ में रहते हैं। सिटीज़ हैव ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज, और जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती हैं सिटीज़ में वह लोगों को मिलती हैं, सच एज स्काई स्क्रैपर्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज, मार्केट एंड वेरी हाई क्वालिटी ऑफ मीन्स ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। मोस्ट पीपल लिव इन टाउन, कुछ और अधिकतर लोग टाउन में भी रहती हैं। दे वर्क एज टीचर, ट्रेडर्स, एग्जीक्यूटिव एंड इन फैक्ट्रीज, वे एक ट्रेडर्स की तरह से भी काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव की तरह से भी, और एग्जीक्यूटिव की तरह से फैक्ट्री में काम करते हैं, ट्रेडर्स और एग्जीक्यूटिव की तरह से। इंडस्ट्रीज सच एज पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर, सीमेंट, आयरन एंड स्टील हैव बीन डेवलप्ड। अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज हैव बीन ओपन टू प्रोवाइड मॉडर्न एजुकेशन, वहाँ पर अब अच्छे अच्छे स्कूल और कॉलेजेस भी खुले हुए हैं। और उसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे पेट्रोकेमिकल्स की, पेट्रोलियम की एंड रिफाइनरी की, फर्टिलाइजर्स की, सीमेंट की, आयरन एंड स्टील की। सम पीपल इन द विलेज स्टिल इंजॉय द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, वहाँ के लोग अभी भी ट्रेडिशनल स्टाइल वहाँ के लोग अभी भी
ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल जीते हैं, यानी कि जो पारंपरिक चला आ रहा है। इनमें से अधिकतर नोमेड्स होते हैं हु ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वाटर। नोमेड्स से मतलब है बंजारे टाइप से, जो कि एक चीज किसी भी चीज़ की सर्च में यहाँ से वहाँ जाते हैं। उनके कोई परमानेंट हाउस नहीं होते हैं। फूड एंड शेल्टर फॉर देयर एनिमल, दे आर बेडुइंस, वे एक तरह से भटकने वाले, यहाँ से वहाँ जाने वाले होते हैं। द बेडुइंस लिव इन टेंट मेड ऑफ कैमल स्किन, ये क्या करते हैं, कैमल की स्किन से बने हुए घर में रहते हैं और कारवा में जाते हैं। कारवा से मतलब है कि ग्रुप बन जाता है इनका, और इनके पास में ये होते हैं कैमल होते हैं, और कैमल के थ्रू साथ में इस कैमल की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। मैनी मैन्यूस आल्सो ट्रेवल इन जीप जीप एंड कार, नाउ डे दे स्पीक अरेबिक, और भी जीप और कार से भी ट्रेवल करते हैं, ये अरेबिक भाषा बोलते हैं। दे ट्रेवल अक्रॉस द डेजर्ट एंड कैंप नियर द ओसिस, और ये इसके इसमें से जाते हैं डेजर्ट से, और अधिकतर ये लोग ओसिस में के आसपास ही रहते हैं। ओसिस जैसे कि हमने बताया कि अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आता है, उसे हम ओसिस बोलते हैं। तो ये ओसिस के पास ही अधिकतर अपने टेंट को बनाते हैं और वहाँ पर कुछ समय के लिए रुकते हैं। दे मेक रग एंड कारपेट, वे कारपेट बनाते हैं, विच दे सेल और ट्रेड फॉर अदर थिंग्स, वे चटाई कारपेट इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं, कंबल टाइप की चीज़ें, और वे इन चीज़ों को बेचते हैं और अपनी इनकम। दे कैरी देयर टेंट्स, वे अपने साथ अपने पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया वियर लूज लार्ज वाइट रोब्स एंड वाइट क्लॉथ्स, जो लोग होते हैं सऊदी अरेबिया के एक बड़ा सा कपड़ा पहनते हैं, इसे चोंगा बोलते हैं, ऊपर से नीचे तक एक लंबा सा गाउन टाइप से होता है जिसे कि वे सर के ऊपर से पहनते हैं, जिससे कि वहाँ की बिल्कुल ब्लेजिंग सन ड्यूरिंग द डे टाइम होते हैं, वो बहुत तेज झुलसती हुई धूप होती है उससे बचे रहते हैं। द स्टॉर्मी विंड एंड द चिली नाइट, ऐसे ही तूफानी दिन होते हैं, तूफान चलता रहता है वहाँ पर, तो उस सबसे उनके प्रोटेक्शन होता रहता है। मैन होते हैं लॉन्ग कॉटन गाउन कॉल्ड द थार, जो लोग मैन होते हैं वे जो गाउन को पहनते हैं उसका नाम होता है थार, और वो अपने उसके ऊपर जैकेट भी पहनते हैं और जिसे कि रोब बोलते हैं। हेड कवरिंग कॉल्ड भुत्रा इज यूज बाय द मैन टू प्रोटेक्ट देयर हेड फ्रॉम द सन, जैसे कि हेड नहीं होती है, कवरिंग टाइप होती है, उसको उसको ऊपर से पहन लेते हैं। वुमेन वियर रोब कॉल्ड द अबाया, और जो लेडीज होती हैं वे अबाया पहनती हैं, जिससे कि उनका फेस आगे से फेस विद अ वेल कॉल्ड निकाब, आगे एक पर्दा टाइप से होता है जिसे कि नकाब कहते हैं। इम्पोर्टेंट सिटी, यहाँ की इम्पोर्टेंट सिटी है सऊदी अरेबिया की, जो कि अब मॉडर्न फैसिलिटी से भरी हुई है। यहाँ की कैपिटल रियाद है, और इसके अलावा यहाँ की जो मेन जो सिटी मानी जाती है सऊदी अरेबिया की, होली पिलग्रिमेज मानी जाती है, वह मक्का एंड मदीना होती है। मक्का एंड मदीना का नाम आपने सुना हुआ होगा, मक्का और मदीना को हज के लिए जाते हैं लोग।